धन्य धन्य सदगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहीं ढूंढी कृपा मूर्ति कुछ बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज शांति से बैठिए हल्ला नहीं करें बैठा बात मत करिए बैठ जा सब जहाँ जगह मिले क्या करिएगा सत्संग में जिनको जैसा है बैठाना पड़ता है क्या करिएगा कोई किन्हीं का पैर नहीं मुड़ता है किसी को ये नहीं है कोई वृद्ध है कोई ज्यादा वृद्ध है बैठा श्री सदगुरु महाराज बैठिए अब अंदर किसी को आने नहीं दीजिए जो भी आएंगे उधर बैठाइए अब जगह नहीं है बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु परम श्रद्धेय गुरुजन सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं बहनों सबको नमन है सबको प्रणाम है सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान अनंत है उनकी कथा भी क्या है अनंत है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतबित दारा लक्ष्मी पापी के लिए हो संतों का समागम और भगवान की कथा बहुत भाग्यशाली को मिलती है धन दौलत बेटा बेटी तो पापी को भी होते हैं लेकिन संत महात्मा उसके घर में नहीं आ सकते ये बहुत भाग्यशाली को मिलता है। हमारे गुरु महाराज का बगीचा बहुत बड़ा है इसमें हर तरह के लोग हैं गरीब अमीर किन्हीं को रहने का मकान बहुत बड़ा है तो किन्हीं को मकान नहीं है लेकिन हमारे गुरु महाराज सब जगह जाते थे ऐसा नहीं कि अमीर के घर में चले जाते थे गरीब के घर में नहीं जाते थे सब के घर में जाते थे गुरु महाराज जहाँ बुलाते थे हमारे गुरु महाराज वहाँ जाते थे और सत्संग करते थे। मैं देखा हूँ ऐसा ऐसा घर में सत्संग करते हैं जहाँ पर खड़ा होकर नहीं जा सकते झुक करके जाते हैं झोपड़ी में जाते हैं मुर्गी में जाते हैं अगर वैसे स्थान में नहीं जाएंगे तो गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार सत्संग का प्रचार नहीं हो सकता है। तो कष्ट उठाना चाहिए नहीं कष्ट उठाना चाहिए जब दुनिया में कष्ट उठाते हैं घर में परिवार में कष्ट नहीं उठाते हैं नरक का कष्ट उठाते हैं तो सत्संग में भी कष्ट उठाना चाहिए नहीं सत्संग में भी कष्ट को क्या करना चाहिए उठाना चाहिए। देखिए कष्ट आप देखे होंगे नीम नीम खाना बड़ा कठिन है नीम नहीं खाया जाता नहीं घुटा जाता लेकिन किसी को भयंकर बीमारी है और डॉक्टर बोल दिया है नीम कारक पीना है तो जबरदस्ती पीता है बेचारा अगर नहीं पिएगा तो उसका कष्ट क्या होगा दूर दवा जो खाए उसी के काम की डॉक्टर ने बहुत दवा आपको लिख दिया आप खाते ही नहीं है आपको असर करेगा आप ठीक होंगे दवा जो खाए उसी के काम की जो दवा खाएगा उसी का रोग ठीक हो सकता है इसलिए सत्संग करना चाहिए और संत सदगुरु को धारण करना चाहिए बहुत बड़ी बात है। संत सदगुरु को धारण करके फिर जो बताए हैं उनका जो आदेश है उपदेश है उस हिसाब से चलना चाहिए। अपने देश में बहुत सारे भक्त हुए हैं है ना ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिसको रहने का घर नहीं था झोपड़ी में रहते हैं। नामदेव जी महाराज का नाम सुने हैं नामदेव जी महाराज दुनिया में उनकी बड़ी ख्याति हो गई बेचारे रहते थे झोपड़ी में झोपड़ी में भी आग लगा दिया लोगों ने झोपड़ी में जब आग लगा दिया तो खुश हो गए कि चलो भगवान तो कुछ दिया नहीं था एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में भी आग लगा दिया कोई बात नहीं प्रभु की जो लीला है चले गए गंगा किनारे और गंगा जी किनारे जाके सोचे वहीं स्नान करेंगे और वहीं भजन करेंगे बैठ के गाछ के नीचे चले गए वहाँ तो स्नान किया भजन किया स्नान भजन करने के बाद लौट रहे थे तो वही रास्ता था जिधर झोपड़ी जली थी उनकी जब वहाँ जाते हैं उस रास्ता में
तो देखते हैं नई झोपड़ी बनी है, नई झोपड़ी 10-20 मजदूर बातचीत करते हुए जा रहा था, है ना। तो मजदूर को देख करके पहचान जाते हैं, कौन नामदेव, बोलते हैं भाई आप कौन है, हमारी झोपड़ी तो जली हुई थी, हमारी झोपड़ी आप ही ने बनाया है क्या, हमारी झोपड़ी बना के जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं हम आपकी झोपड़ी नहीं बनाए हैं। बोला नहीं नहीं आप ही झोपड़ी बनाए हैं। हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते ओ झोपड़ी बनाने वाले प्रकट हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं नामदेव इस मजदूर के रूप में भी तुमको पहचान लिया, हम ही तुम्हारे झोपड़ी बना के आ रहे हैं, हम ही तुम्हारे झोपड़ी बना के आ रहे हैं। देखिए तो श्रद्धा है बलवान, तो पल में खड़ा है भगवान, भगवान भी खड़ा रहता है। संत रविदास जूता बनाते थे, कितनी गरीबी हालत में थे, लेकिन गरीबी का एहसास नहीं था रविदास को। भगवान कृष्ण आए दर्शन देने के लिए कि बहुत गरीब है, इसकी गरीबी दूर कर देते हैं। आया भगवान श्री कृष्ण, देखा भाई रविदास तू बहुत गरीब है, अरे तू जूता बनाता है, रहने का झोपड़ी भी नहीं है तुम्हारा, सोना का ईटा दे दिया रविदास जी महाराज को। रविदास जी महाराज ने कहा प्रभु हमें तो जरूरत नहीं है। बोला नहीं हमारी इच्छा है, लो ग्रहण कर लो। तो कहा प्रभु खोज दीजिए छान में, तो छान में खोज दिए ईटा, सोने का ईटा। और रविदास उसी तरह से लकीर का फकीर, कोई मतलब नहीं सोना से, रोज अपना वही काम करते हैं, रोज खाते हैं, रोज भजन करते हैं, भगवान का सत्संग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचे जाके देखते हैं रविदास का क्या हालत, तो अच्छा हाल हो गया होगा, मकान वकान बना लिया होगा। तो जाके देखते हैं वही झुग्गी पुरानी, उसी में रविदास अपना जूता मोड़ रहा है, बड़ा लगन से लगा हुआ है काम में, है ना। काम पूजा है, काम क्या है, पूजा समझ के काम कीजिए। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, न किंचित कर्म निंदितम, संसार में धर्म और मर्यादा पूर्वक कोई भी कर्म बुरा नहीं, कोई भी कर्म बुरा नहीं है। तो कर्म निष्काम पूर्वक करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, भगवान का काम समझ करके अपना काम करना चाहिए, अपना समझ करके काम नहीं करो। छत्रपति शिवाजी का नाम सुने हैं, पहले सुन लीजिए रविदास जी का। तो भगवान ने कहा कि रविदास हम तो सोचा था तुम्हारा स्थिति बदल गया होगा, दुर्दशा बदल गई होगी, लेकिन तू तो लकीर का फकीर बना हुआ है, कहाँ गया ईटा। बोला भगवान कहाँ रखे थे, बोले छाड़ में खोज दिया था। बोला देखिए ना वहीं, तो वहीं वहीं पड़ा हुआ। तो फिर एक पारस पत्थर निकाला भगवान कृष्ण अपने थैली से, बोला जाओ तुम्हारा जो टकनी है ना जिसे जूता सीता है उसको सटा दिया। तो पारस लोहा को सोना बना देता है, तो सोना का बन गया। तो अब अच्छा हुआ ना रविदास, कहते प्रभु आपने क्या किया, हमारा टकनी खराब कर दिया। हमारा टकनी ऐसी हालत थी, संतों की ऐसी हालत होती है, भक्तों की ऐसी। धन्ना जाट नाम सुने होंगे, धन्ना भात भरवाए हैं भगवान, बड़ी गरीबी है, भगवान भात भरवाते हैं धन्ना की बेटी का, भगवान प्रकट होता है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, सेवा करिए। क्या करिए, सेवा करिए। तो सेवा क्या करेंगे, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछोड़े नहीं जो गुण हो शरीर, कैसे सेवा करेंगे भाई। अरे गुरु महाराज के पास में रहेंगे तब ना सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे चाहे रोटी खिलाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे। अब बहुत दूर में है तो आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु महाराज जो बताए हम लोगों को, त्रैकाल संध्या करो, त्रैकाल संध्या करिए, पांच पाप नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा पान नहीं लो, मांस मछली अंडा नहीं खाओ, झूठ नहीं बोलो, हिदायत मिला हुआ है, इसका अनुपालन करना चाहिए। हाँ, और ध्यान भजन में मन को लगाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अरे सत्संग करने के लिए कोई महात्मा ही आएंगे तुम्हारे घर में, गुरु महा का ज्ञान बड़ा सरल है, घर में बैठ जाओ सब बाल बच्चों को लेकर के, स्तुति विनती कर लो, और अपना पोता को चाहे पोती के हाथ में दे दो किताब और वह पढ़ो, है ग्रंथ पाठ हो गया, आरती कर लो, ठीक है, सत्संग हो गया कि नहीं। ये अच्छा आदत है, ये अच्छी आदत डालना चाहिए घर में, परिवार में, घर में परिवार में ये
ये अच्छी आदत डालनी चाहिए। सेवा कीजिए घर परिवार में, क्या करिए तब घर चलेगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा। घर का जो मालिक है उसको त्यागी होना चाहिए। घर का मालिक, होली आ गया चाहे दिवाली आ गया, ठीक है ना, तो दिवाली आ गया और घर का मालिक है बेटा, तो बेटा कपड़ा लाने के लिए गया, कपड़ा खरीदने के लिए गया, तो अपना कपड़ा खरीदा 500 में, अपना छोटा भाई का कपड़ा खरीद लिया 1000 रुपये में, अपना बड़ा भाई का कपड़ा खरीद लिया 2000 में, तो जो मालिक है 500 में, और अपना दोनों भाई का कपड़ा महंगा खरीद लिया, तो उसका घर चलेगा कि बुड़ जाएगा उसका घर, बोलो चलेगा। उसका घर चलेगा, घर चलेगा उसका, क्यों, क्योंकि स्वार्थी नहीं है, मालिक को निस्वार्थ होना चाहिए तब घर चलेगा। अपना बाल बच्चा का महंगा और अपने चाचा ताऊ का सस्ता तब घर चलेगा, तब घर नहीं चलेगा। तो घर चलाने के लिए त्याग चाहिए, क्या चाहिए, त्याग। भगवान कहते हैं त्याग शांति निर्गच्छी रहती, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। गुरु चला जा रहे थे, ठीक है, तो गुरु चला जा रहे थे, तो गुरु जी उपदेश करते थे बेटा बिना त्याग का मुक्ति नहीं मिलता है, त्याग से मुक्ति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। तो चेला कहीं गुरु जी जाते थे तो चेला को कुछ मिलता था तो ले लेता था, चेला अपने पॉकेट में रख लेता था, और गुरु जी तो कुछ लेते नहीं थे, तो सत्संग करके गुरु चला चले तो मिल गई एक नदी, नदी मिल गई, तो नदी पर, नदी में बैठे नाव पर, तो नदी का जो नाविक था मांगा उतराई, उतराई मांगा तो इनके पास तो है नहीं, तो बोला पैसा दीजिए बाबा, तो गुरु देखता है चेला का मुंह, तो चेला के पॉकेट में 5 रुपया था, तो चेला 5 रुपया का नोट निकाल के दे दिया उतराई। गुरु जी जब आगे बढ़े तो गुरु जी, चेला कहता है गुरु जी आप ही कहते हैं कि त्याग से रहना चाहिए, हाँ त्याग से रहना चाहिए, तो आप ही बताइए, आप कुछ नहीं लेते हैं, त्यागी हैं, हम ले लेते हैं, अभी उतना ही मांगा तो हमारे पॉकेट में 5 रुपया था तभी नहीं दे दिए, और नहीं देता तो कैसे नाव पार होते। गुरु जी आप सोच समझ करके उपदेश किया कीजिए, आप सोच समझ करके उपदेश किया कीजिए। तो गुरु जी मन में सोचते गुरु मिला है कि चेला मिला है, चेला मिला है कि गुरु ही लगता है मिला है, बहुत चेला बड़बड़ किया। तो गुरु कहते हैं बेटा एक बात सुनो, देखो तूने 5 रुपया का त्याग किया तो नदी पार हो गया, हाँ मैं सब कुछ त्याग दिया हूँ तो मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। तूने 5 रुपया त्याग किया तो नदी पार कर गया, हम सब कुछ त्याग कर दिया है तो हम भगवान से मिल लेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। ये है त्याग से शांति मिलती है। बहुत जरूरत बढ़ा लो, है ना, आप बहुत जरूरत बढ़ाओगे तो बहुत काम करना पड़ेगा। अब भजन का समय मिलेगा, सत्संग में आ सकते हो, अरे नहीं हमको तो कारखाना जाना है, हमको तो नौकरी में जाना है, हमको तो इधर जाना है उधर जाना है, वो नहीं आ सकता। लेकिन जिसको काम कम है, इसलिए काम भी उतना ही करो, ये मानव जीवन केवल बैल बनने के लिए नहीं मिला है, बैल बने रहो। बैल गढ़ंता नरगढ़ा, कबीर साहब कहते हैं बैल गढ़ंता नरगढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक एक गुरु की भक्ति बिन दिग दाढ़ी दिग मूछ। कहते हैं सब कुछ में भगवान बना रहे थे क्या, हाँ भगवान क्या बना रहे थे, बैल, लेकिन बैल नहीं बनाया, मन बदल गया तो नर बना दिया। और चूका सिंह और पूछ, तो चीज सिंह और पूछ है आदमी को, हाँ लेकिन एक एक गुरु की भक्ति बिन, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं करते हो तो कहते धिक दाढ़ी जिग मूछ, हाँ गुरु की भक्ति के बिना सब बेकार है। 1 रुपया देखते हैं, 1 रुपया होता है, 1 रुपया में 1 पैसा भी होता है, 2 पैसा भी होता है, 10 पैसा भी होता है, 99 पैसा भी होता है, और 100 पैसा तो होता ही है। एक के आगे 0 लिखते हैं तो 10 हो जाता है, और 1 के आगे 2 0 लिखते हैं तो 100 हो जाता है। अब 1 की बाएं तरफ लिखते हैं कुछ अगर 0, 10, 0, 20, 0 तो कुछ कुछ वैल्यू होता है नहीं। एक परमात्मा को जो जान लेता है और उसके जीवन में फिर लाभ ही लाभ मिलता जाता है। लेकिन एक परमात्मा को नहीं जानेंगे तो जीवन खाली रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा,
है ना, इसलिए एक ईश्वर को जानना चाहिए। गुरु नानक साहब का नाम सुने हैं? संत गुरु नानक साहब थे, तो संत गुरु नानक साहब को मास्टर साहब पढ़ाते थे अलीफ, बोलो नानक अलीफ, अलीफ मन एक, क्या बोलते थे अलीफ मन एक, तो बोलते फिर बोलते थे अलीफ के बाद क्या बोलते हैं बे, अलीफ के बाद बे, तो बे, बे मने दो, दो। हाँ, बोले बे मने दो, तो नानक साहब नहीं पढ़े, बोले गुरुजी हमको एक ही पढ़ने दो। बोला क्यों? बोला हम दो नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही ईश्वर को जानेंगे, अलीफ मने एक, हम एक ही परम पिता को जानेंगे, हम दो नहीं पढ़ेंगे। द्वैतो तो भयम भवती, दो में भय है, दो में क्या है भय, और एक में भय नहीं है। एक ईश्वर को जो जान लेगा वो निर्भीक, प्रहलाद डरे किसी से? हिरण्य कश्यप को अपना भगवान कहता था, डरे? भगवान आए चीर फाड़ दी ने, कितना बलवान अपन को रावण समझता था, भगवान कुछ बुझे उसको, एक ही बाण में धराशाही कर दी। भगवान लीला तो बहुत किए, रावण भी अपना बहुत नाटक किया है ना, लेकिन भगवान ने क्या किया, एक ही बाण मारा, धराशाही कर दिया। बाण जब मारा तो कौवा गिद्ध भी नहीं खा रहा था, कौवा गिद्ध भी नहीं खा रहा था। आचार हीनो न पुनंती वेदा, जो आचार से हीन है, जो आचरण से हीन है, उसको भगवान भी और वेद भगवान भी पवित्र नहीं करते। वो रावण की कैसी दुर्दशा, रावण इतना पराक्रमी था, रावण था, बाली था, और कौन था, और कौन था भाई बलवान, कंस था, बड़ा पराक्रमी था, बाणासुर था, बाणासुर को तो 10,000 भुजाएं थी, भगवान शंकर का परम भक्त था, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ है ना, भगवान कृष्ण के पुत्र का हरण कर लिया था है ना, उसकी उसकी बेटी का नाम था उषा, उन्होंने हरण कर लिया था, तो कहा कि दे दो हमारे पोता को, बोला नहीं देंगे, हम बंदी बना लिए हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण गए, पता चला कि आपका पोता तो बंद जेल में बंद है, बाणासुर ने जेल में बंद करवा दिया। तो भगवान कृष्ण गए तो बड़ा स्वागत किया वो बाली ए बाणासुर ने, तो भगवान ने कहा देखो हमारा पोता को आप बंदी बना लिए हो, तो आप वापस कर दो। बोला नहीं वापस करेंगे। तो युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ, तो बाणासुर को सब भुजा को भगवान ने काट दिया, तो उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए तो दोनों गले गले मिले, तो कहा कि प्रभु आप, बोला हाँ ये हमारा परम भक्त है बाणासुर, इसने हमको याद किया तो मैं आया हूँ इसकी तरफ से युद्ध करने के लिए, इसकी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो युद्ध दोनों में होने वाला है ना, युद्ध दोनों में होने वाला है। तो भगवान शिव ने बाणासुर को बुलाया है ना, कहा देखो हम दोनों में युद्ध क्यों करवाओगे तुम, हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों में युद्ध क्यों करवाओगे, देखो हम धर्म के साथी हैं। कौन? भगवान शंकर ने कहा हम धर्म के साथी हैं, इसलिए हम भगवान धर्म के अवतार हैं। भगवान क्या है? भगवान अन्याय वाला काम करते ही नहीं, भगवान राम अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय वाला कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम धर्म के साथी हैं, इसलिए हम दोनों युद्ध नहीं करेंगे, तुम समर्पण कर दो। उनके पोता का नाम था प्रद्युम्न, क्या नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न को दे दिया, कर दिया। तो फिर इन्होंने दोनों में नहीं हुआ, बताते हैं ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि भगवान धर्म के अवतार है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म कहानी होता है तो भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, संत भगवंत गौ की रक्षा करते हैं है ना, संत भगवंत और गौ की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। एक भगवंत का अवतार होता है, एक संतों का भी अवतार होता है ना, तो भगवंत का जो अवतार होता है तो दुष्टों के संहार के लिए, दुष्ट का संहार करते हैं, अपना धाम में भेज देते हैं। लेकिन संत जो होते हैं संहार नहीं करते हैं, संत अहिंसक होते हैं, वो संहार नहीं करते, उसकी बुद्धि को क्या करते हैं, सुधार देते हैं,
बुद्धि को क्या करते हैं, सुधार देते। एक महात्मा जी थे, ठीक है, तो महात्मा जी नदी पार हो रहे थे, बोले भाई महात्मा थे बेचारे, सिर पूरा गंजा था, जा रहे थे तो नाव में बड़ी भीड़ थी, तो ये भट्ट ने कहा बाबा आपको हम बैठा देते हैं, है ना, आप बड़े बूढ़े हैं, है ना, आप बड़े बूढ़े हैं, तो ये भट्ट जो है बैठा दिया। उस पर 10-20 विद्यार्थी बैठा हुआ था, और शरारती होता है नटखट, तो विद्यार्थी छेड़े महात्मा को, बार बार छेड़ता था, बार बार पूछा कुछ, महात्मा बेचारे क्या बोलेगा, बूढ़ा महात्मा था बेचारे, पूछा बैठा हुआ था गर्दन झुकाए, बस उसको गाली बका ये बका, महात्मा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके माथा पर लाठी ऐसे ऐसे पूरा मारा, सिर फट गया, खून निकलने लगा, महात्मा बेचारे क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला, देखा कि वट तो भगवान प्रकट हो गया, बोले रे दुष्ट तूने संतों को इतना सताया है, अभी अभी जो है बाढ़ आ जाएगा और तुम इसमें डूब के मर जाएगा, तो नाव में बाढ़ आ जाएगा। तो संत जो है खड़े हो गए, भगवान से क्षमा मांगा, बोलो प्रभु आप नाव को उलट सकते हैं, इसका मन को भी उलट सकते हैं, नाव को मत उलटिए, नाव को नहीं उलटिए, इसके मन को उलट दीजिए, है ना। तो संत जो है मन को क्या करते हैं, अंगुली माल का मन उलट दिया कौन, भगवान बुद्ध ने, और गौरा राक्षस का मन को उलट दिया किसने, गौरा राक्षस था गुरु नानक साहब के समय में। तो गौरा राक्षस क्या करता था, एक शिकार को रोज पकड़ता था, तो बाला मर्दाना गुरु नानक साहब के शिष्य था, तो सत्संग करने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते थे गुरु नानक साहब, बीहड़ से बीहड़ गांव में, जंगल से जंगल में चले जाते थे, तो सत्संग कर रहे थे गुरु नानक साहब, तो बाला मर्दाना को प्यास लगी, तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जाओ, चश्मा है वहाँ झरना, चश्मा झरना को बोलते हैं, वहाँ चश्मा हो, कल जाओ पानी ले आओ। तो वहाँ गया, पहाड़ी पर चढ़ा, तो वहाँ जादूगर रहता था, बहुत मशहूर जादूगर था, वो गुरु नानक साहब के नाम से ही चिढ़ता था। तो पानी मांगने गया, बोला किसका शिष्य है तू, बोला गुरु नानक साहब का शिष्य है, तो बोला पानी नहीं देंगे तुमको, बोला क्यों, बोला नहीं देंगे, क्यों क्या नहीं देंगे, भागो यहाँ से। तो चट्टान जो है ठेल दिया पहाड़ पर से, कि मर जाएगा गिर करके, तो चट्टान ठेला, तो गुरु नानक साहब वहीं से देख लिए, तो गुरु नानक साहब कहते हैं रुक जा, बस चट्टान वहीं रुक जाएगा, वही पंजा साहब बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पंजा साहब, चट्टान वहीं का वहीं पड़ा है। तो गुरु नानक साहब फिर कहा गुरुदेव प्यास लगी है, तो गुरु नानक साहब ने कहा बेटे आगे चलो पीने मिलेगा पानी, तो आगे गया, तो वो थक गया काफ़ी, बोला गुरु जी देव अब नहीं जाएंगे हम, अब नहीं चला जाता हमको, तो गुस्सा आ गया इसको मर्दाना को, तो मर्दाना गुरु नानक साहब को छोड़ दिया, गुरु नानक साहब बहुत समझाए तुम साथ में छोड़ो, लेकिन नहीं माना, छोड़ दिया साथ में, तो जंगल में भटक गया गुरु नानक साहब और बाला, तो एक साथ जा रहे हैं, मर्दाना भटक गया, तो उसको वही राक्षस पकड़ लिया, कोरा राक्षस, तो पकड़ लिया, तो बलि देता था वो, दो काम करता था, या तो उसको बलि देता था, मांस बना देता था, या तो पकौड़ा बना देता था जिंदा, जैसे मछली देखते हैं साबुत मछली को डाल देता है बेसन में डुबा कर कड़ाह में डाल देता है, अब पूरा पक जाता है लोग खाता है, उसी तरह से उस आदमी को क्या किया, जिंदा वो उसको बेसन में डुबा दिया, अब आग में कड़ाह में डालने वाला है, अब उसको डालने वाला है, वो चिल्ला रहा है कौन, मर्दाना, गुरु नानक साहब अंतर्यामी पुरुष थे ना, संत थे ना, वहीं से उसकी आवाज़ सुन लिया, दौड़े बड़ी तेजी से गुरु नानक साहब, बालक कहता है गुरुदेव दौड़े जा रहे हैं क्या बात है, बोला अरे सुनता नहीं है, मर्दाना को पकड़ लिया राक्षस ने, वो हमको बुला रहा है, बोला हमको तो सुनाई नहीं पड़ता कुछ, बोला तुमको क्या सुनाई पड़ेगा, गुरु नानक साहब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि उसको उठाए हुए ऐसे तेल की कड़ाह में डालने के लिए, गुरु नानक साहब जोर से चिल्लाए ओ कौरा रुक जा, ओ कौरा रुक जा, कहाँ रुकेगा वो, पटक दिया,
तेल के कड़ा में पटक दिया मर्दाना को, जब पटक दिया ना तो तेल तो बहुत गर्म था, लेकिन गुरु नानक साहब की दृष्टि पड़ गई खोलता हुआ तेल पर, तो तेल जो है बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया, बर्फ की तरह ठंडा हो गया, और कोरा का एक भी रोया नहीं जला। जाके शिष्य पे हाथ गुरु के, जाके शिष्य पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई जो जग बैर करे बहुतेरा तासो हानि न होई। पूरी दुनिया एक तरफ, भगवान का भक्त एक तरफ, उसका कुछ खान नहीं हो सकता। द्रौपदी मैया का चिर हरण करने के लिए कितना दुशासन ने सोचा, और वो ने सोचा खिंच पाया। भक्त प्रहलाद को मारने का बहुत कोशिश किया कि मारा, संत कबीर साहब का 72 कसनी प्रसिद्ध है, कबीर साहब को मार सका कोई? नहीं मार सका। अकबर के जमाने में हुए थे कबीर साहब, बतलाते हैं बादशाह अकबर था, तो बादशाह अकबर का एक भतीजा मर गया था, तो कबीर साहब बड़े सिद्ध थे उस समय, बहुत विख्यात थे, तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलाम, यदि कबीर साहब खुश हो जाएगा तो आपके भतीजा को जिंदा कर सकता है। तो खुद आया बादशाह को अपना भतीजा को लेकर, तो महाराज इसको जिंदा कर दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा, ओ बालक खुदा के हुक्म से उठ जा। तो बच्चा नहीं उठा, लेकिन फिर बोले, ओ बालक हमारे हुक्म से उठ के बैठ जा। तो उठ करके बैठ गया। तो अकबर ने कहा कि अरे तूने अल्लाह ताला को अपने से नीचा दिखाया है ना, एक काफिर है, है? एक क्या है, एक काफिर है। तो उनको जो है कबीर साहब को दंड देना चाहा। तो कबीर साहब को सोचा चिता में जला देंगे, है? कबीर साहब को सोचा चिता में जला देंगे, तो चिता में ले गया जलाया, लेकिन कबीर साहब फिर प्रकट हो गए। हाँ, कबीर साहब फिर प्रकट हो गए। इस तरह से शक्ति होती है संतों में, महात्माओं में क्या होती है, शक्ति होती है। ये संत महात्मा देश की रक्षा करते हैं, है ना? अगर संत महात्मा नहीं हो तो धरती का क्या होगा, रहेगी धरती? आग लगी आकाश में, चुई चुई गई अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता। अगर संसार में संत नहीं होते तो संसार में क्या होती, आग लग जाती। बताते हैं बादशाह अकबर बैठे गए थे एक बार, दादू दयाल जी महाराज के टाइम की बात है, दादू दयाल जी महाराज की टाइम की बात है। तो बादशाह आ गए, सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, तो बादशाह है भाई, आदर किया। कबीर साहब ने भी अपने शिष्य से कहा कि देखो भाई कुर्सी ला दो। क्या कहा? कुर्सी ला दो। देखिए समाज में भी जो जैसा आदमी रहता है उसको उस तरह से खातिर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। कोई लंगड़ा आदमी है तो नीचे नहीं बैठ सकता, किसी के पैर में गठिया बीमारी है तो बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। तो इस तरह से देख करके उसको बैठने का जगह दिया जाता है ना, इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। संत अंतर्जामी होते हैं, संत अंतर की बात को जान लेते हैं, हाँ उनमें पावर होता है, वो अंदर की बात क्या करते हैं जान लेते हैं। तो भला बुरा लागे नहीं जाका हरी से प्यार, हाँ उसको भला बुरा नहीं लगता जिसको परमात्मा से गुरु महाराज से प्रेम है, उसको भला बुरा क्या लगेगा, वो सब समझता है। यदि फूल का माला भी पहना दिया तो गुरु महाराज की कृपा, प्रभु की कृपा, अगर कोई एक थप्पड़ मार भी दिया तो गुरु महाराज की कृपा, प्रभु की कृपा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो लाभ जय आज हो, लाभ और हानि में हम सम रह जाएंगे। देखिए ज्ञान बोलते नहीं ज्ञानी है, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? राजा जनक का नाम सुने होंगे आप, राजा जनक विदेह थे, क्या थे? विदेह, बहुत बड़े राजा थे। और विदेह उनका नाम क्यों पड़ा? शरीर से कोई ममता नहीं था, राजपाट से कोई ममता नहीं था, बेटा बेटी से कोई ममता नहीं है, किसी से कोई ममत्व नहीं है, वो क्या थे? विदेह थे राजा जनक।
राजपाट में आग लगी आया, लोग कहने आया महाराज राजपाट जल रहा है, बोल कहते अभी सत्संग चल रहा है, दो भाग जल गया, बोलते अभी सत्संग चल रहा है, तीन भाग जल गया, बोला सत्संग चल रहा है, बोला हमारा घर तो पूरा जल गया, कहते हमारा क्या जला, मेरा कुछ नहीं जलता रे, मेरा कुछ नहीं जलता रे, जले मिथिला नगरी, बोलते अरे मिथिला नगरी जल रही, हमारा क्या जलेगा। ऐसे विदे थे कौन, राजा जनक। लेकिन हाँ, राजा जनक की बेटी जानकी का जब विवाह हुआ तो उनकी आंख में भी आंसू आ गया था, इनके हाँ राजा जनक भी रोने लगे थे बिलख बिलख करके जब बेटी की। विदेह शरीर से ऊपर उठ जाना, ताकि विदेह कौन हो सकता है, हम लोग अभी मोटा मोटी शरीर में है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर में क्या है, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच प्राण है, मन बुद्धि है ना, ये 17 है, ये 17 को लेकर के स्थूल शरीर है ना, इसमें 25 प्रकृति है ना, 25 प्रकृति भी है ना मनुष्य के शरीर में, बस ये 25 चोर रहता है, तो इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, इसको लिंग शरीर कहते हैं, जो यमराज ने निकाल लिया था सत्यवान के शरीर से, लिंग शरीर को निकाल लिया था। अब कैसी पतिव्रता नारी थी, कौन, सावित्री, अपने मृतक पति के प्राण वापिस कर दिया, पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करने से बहुत बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हमारे रामायण में लिखा है कि पति अगर कुष्ठ भी हो, पति कुष्ठ भी हो, पागल भी हो, अंधा भी हो, लंगड़ा भी हो, लूला भी हो, तो ऐसे पति का जो अपमान करती है वो करोड़ों जन्म नरक में पड़ती है। इसलिए पतिव्रत धर्म का अपने देश में बड़ा महत्व है, एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पति को भी छूट नहीं है, पति भी एक पत्नी के साथ रहे और उसका पालन करे, है ना, उसका पालन करे। जैसे साइकिल होता है तो साइकिल में दो चक्का होता है, दोनों चक्का बराबर रहेगा तभी नहीं चलेगा, ठीक उसी तरह से धर्म पर चलना है, अगर पति सत्संगी है पत्नी सत्संगी नहीं है तो खींचातानी होगी नहीं, लेकिन दोनों अगर सत्संगी है तो दोनों साथ में चल देंगे, माता सत्संगी है पिताजी नहीं है तो भी बड़ा खींचतान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी जिस गांव में अगर 20 सत्संगी भी है 25 सत्संगी है तो एक टटिया बना लो झोपड़ी और उसमें बैठ करके सत्संग करो, सत्संग बहुत बड़ी चीज है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति है वहां संपत्ति है और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। गुरु महाराज कहते थे घर में उपजे फूट तो सब कोई खाए, नहीं नहीं बाहर में उपजे फूट तो सब कोई खाए, है फूट एगो फल होता है, फूट होता है, हाँ घर में उपजे बाहर में उपजे फूट तो सबको खाए और घर में उपजे फूट तो सबको घर को खाए, और घर में जहाँ फूट उपज गया तो बेटा बेटा में बनाव नहीं है, बहू जेठानी में बनाव नहीं है तो घर को खाएगा। इसलिए सेवा करो, स्वार्थपना आने के कारण ही सब होता है, अगर हम स्वार्थपना हटा दिए अरे भगवान राम का वनवास हो गया, भरत जी राजा बन गए दोनों भाई त्यागी था, हाँ भगवान राम का वनवास हो गया तो भगवान राम तो त्यागी थे, चल दिए छोड़ दिए, अब भगवान राम के राज्य को इसे छोड़ दिए जिसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है भाई धर्मशाला को छोड़ने में कोई आसक्ति है, जाते हैं अयोध्या वृंदावन हरिद्वार धर्मशाला ले लेते हैं कमरा, तो अगर गंदगी फैली हुई है दीवार टूटी हुई है तो क्या सोचते बना देंगे, अरे रात भर आना है भाई चला जाना, भगवान राम भी चल दिए, भारत भी कैसा भाई
क्या राजा बन गया? भरत भी राजा नहीं बना। देखो अगर रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में प्रेम का ग्रंथ है, क्या है? अब महाभारत पढ़ लीजिए तो युद्ध का ग्रंथ है, महाभारत है। दोनों भाई में राज्य के लिए झगड़ा हो गया, राज्य के लिए कौन झगड़ा। और देखिए बड़े बड़े महारथी भी अधर्म का साथ दे दिया, भीष्म पितामह अधर्म का साथ दे दिया, द्रोणाचार्य गुरु थे वो भी अधर्म का साथ दे दिया, कृपाचार्य सब। परिणाम क्या हुआ? भगवान का अवतार हुआ है ना, धर्मात्मा थे युधिष्ठिर। बताते हैं रणभूमि में युधिष्ठिर जी का रथ जो है धरती से अलग होकर के चलता था एक हाथ, लेकिन एक झूठ बोल दिए धर्मराज युधिष्ठिर, झूठ भी बोले भगवान के कहने पर, भगवान के कहने पर झूठ बोले। क्या झूठ बोले? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा नाम का क्या मारा गया? हाथी मारा गया, नर या कुंजर। हाँ तो झूठ हो गया। और जब जैसे ही कुंजर सब बोले ना तो भगवान कृष्ण क्या बजा देते हैं? शंख। तो कुंजर शब्द सुना है नहीं, अश्वत्थामा नरो वाहतो, अश्वत्थामा अश्वत्थामा हतो नरो, हाँ अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मारा गया। अब देखिए इसी झूठ के कारण थोड़े देर के लिए नरक जाना पड़ा। चलने दो। तो नरक जाना पड़ा। तो हमारे गुरु वहां कहते थे झूठ झूठ बहुत बड़ा पाप है, पाप का झोला है झूठ, इसलिए फट जाएगा उधर कीजिए उसको। हाँ उधर कर लीजिए, दावले रहिएगा, कितना दाबिएगा, पंखे बंद करिए, पंखे बंद करना पड़ेगा, नहीं लाइट जलाइए, ठीक बैठिए बैठिए। हाँ तो क्या सुन रहे थे? झूठ नहीं, झूठ नहीं बोला था, हम लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं। भीष्म पितामह का नाम सुने हैं? भीष्म पितामह छोटे थे, बच्चा खेलता है ना छोटा, जैसे बच्चा सब है ना छोटा छोटा, ये 4 साल का बच्चा है 5 साल का, तो बच्चा खेलता था तो नदी के किनारे खेल रहा था, तो कछुआ था तो सुई से उसके आँख में भोंक दिया, तो भोंक दिया तो पाप हो गया है ना। तो पाप का फल क्या मिला जानते हैं? क्या मिला पाप का फल? बाल का, हाँ बाल का। और एक बार की बात है कि भीष्म पितामह जा रहे थे, ठीक है ना, भीष्म पितामह जा रहे थे तो एक नाग सर्प जो है रास्ता काट दिया। अब रास्ता काट दिया तो गुस्सा आ गया, यात्रा पर उन्होंने रास्ता काट दिया, भीड़ तो थे ही भीष्म पितामह, कूद गए रथ पर से और सांप को पकड़ लिया, और पकड़ करके धरती पर पटक दिया, पटक करके बबूल के कांटा पर फेंक दिया, वही तड़प तड़प मर गया। रणभूमि में बताते हैं भीष्म पितामह जब बाण की सज्जा पर पड़ गए तो भीष्म पितामह ने पूछा गया कि महाराज, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हम कौन से पाप के कारण आज हम बाण की सज्जा पर पड़े। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दादाजी अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, तो मैं सोच अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 101 जन्म में आप क्या थे? बोला वहाँ तो आप ही बता सकते हैं। बोला 101वां जन्म में भी राजा थे आप। देखिए तपस्वरी स्वराजेश्वरी, तप करने से राज्य मिलता है, ध्रुव जी को राज्य मिला ना, तपस्या से क्या मिलता है? राज्य। तपस्वरी स्वराजेश्वरी, राजेश्वरी सो जोगेश्वरी, और जोगेश्वरी सो भंगेश्वरी। तप करने से राज्य मिलता है, राज्य पाकर के फिर अगर तू तप किया तो योगी कुल में जन्म हो जाएगा, और नहीं किया भोग होगा, केवल भोग में लग गया तो कहते भंगेश्वरी, चूड़ा के घर में जन्म हो जाएगा, यहाँ अंडा मुर्गी सब है, मुर्गी भी पलता है ना, और कुकड़ू को करता है मुर्गा
सुबह में क्या बोलता है मुर्गा, क्या बोलता है? कुकड़ू कू बोलता है, बोलता केकरो ना कोई भाई, हाँ केकरो ना कोई, हाँ बोलता है केकरो कोई नहीं है। देखो मुर्गा भी ज्ञान देता है ना, लेकिन मुर्गा भी एक अच्छा काम करता है, संत महात्मा भक्त को जगाता है नहीं, तो उसे उठ करके भजन करता है भगवान का, ब्रह्मूर्त मत सोइए मुँह फाड़ करके, हाँ अन्याय करते हैं, 10 बजे सो करके उठते हैं, बताइए अन्याय नहीं करते हैं? मत सोइए, यमराज जो है ना मुंह में आग लगाएगा, हाँ मत सोइए 10 बजे तक, हाँ सवेरे कम से कम सूर्य भगवान निकलने के पहले तो जाग जाइए, कम से कम सूर्य भगवान निकलने के पहले आप जागिए, कितनों रात में सोते हैं, अच्छा नियम बनाइए। हाँ हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहे कि अरे तू तो सोया रहता है, मुँह फाड़ के सोता है, लाट टपकता है तुम्हारा, बोला गुरु महाराज माफ़ कर दीजिए क्योंकि माफ़ नहीं करूँगा, सुन सूर्य निकलने का पहले उठना कम से कम, सूर्य भगवान ये तो माफ़ हो जाएगा और नहीं भाप माफ़ होगा, सूर्य भगवान निकलने के पहले जग है ना, हाँ तब उठने लगा, उठने लगा तो सवेरे भी उठ करके देखिए शरीर भी ठीक रहेगा, भजन भी करिएगा अच्छा, मन अच्छा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सब बहुत लाभ हो जाएगा है ना। किसी किसी की फैक्ट्री है भाई, है वो है दुकान है, नौकरी ही उसी तरह से है, बी शिफ्ट पड़ गया, सी शिफ्ट पड़ गया, रात्रि वाला ड्यूटी पड़ गया, तो मजबूरी है क्या करेंगे, रोजी रोटी की बात है भाई, तो करना पड़ता है कि ना, भूखे भजन न हो तो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, भूखे तो भजन भी नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन मजबूरी है वो, फिर शिफ्ट बदले तो फिर सवेरे जगने का प्रयास करो। तो पलटू साहब ने कहा कर से काज करो भी दिनाना, सुरत राखो जहाँ कृपा दे निदाना, कर से काम करो और मन से भगवान का भजन करते रहो, ये सब बात बताते हैं। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री क्या नाम है जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी के घर में आए हैं, हम गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, सत्कर्म हो, और जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं, यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री, देखिए भाई घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है।